क्राफ्ट, क्विजिन और संस्कृति का हुनर हाट लेके आया है आप सबके सामने अपनी प्रस्तुति। जी हाँ, हम आ चुके हैं अवध विहार में, जहाँ पर हुनर हाट का संगम चल रहा है, क्योंकि बात है कल्चर की, बात है संस्कृति की। संस्कृति की बात हो रही है तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक किला। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि प्लीज अशोक की लात से शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ पे हाथों से बना हुआ काम आपको देखने को मिलेगा। एंड धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ चले तो देख सकते हैं कि विश्वकर्मा वाटिका वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हाथ से बना स्पेशल क्या है, क्योंकि हाथों का पारंगत, हाथों में निपुण हुनर हम यहाँ पर लेके आए हैं अपने देशवासियों के लिए। क्योंकि 12 तारीख से शुरू हो चुका है हुनर हाट का आयोजन हो चुका है, जो कि चलेगा 21 नवंबर तक। और इतना ही नहीं, इस हुनर हाट में स्वदेशी अपनाएं, क्योंकि थीम है हमारी वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल पर। से आगे बढ़ चलते हैं हमारे विश्वकर्मा वाटिका की तरफ और देखते हैं कि वहां पर हाथ से निर्मित ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो हमारी जनता के लिए रखी गई हैं। और यहां पर 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की हुनर सब आपके सामने आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जन संदेश लेके आया है ये खास रिपोर्ट। एंट्री करते हैं विश्वकर्मा वाटिका में। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे ये कला, जहां पर लोग खड़े हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और समझ रहे हैं अपने भारत के कल्चर को, अपनी संस्कृति को, हमारे देश की मिट्टी यानी कि जिसे लेके आते हैं कुम्हार, अपने हाथों से बनाते हैं, सजाते हैं, इसमें रंग भरते हैं। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद जी, कब से कर रहे हैं? ये हमारा खानदानी है, बचपन से ही हम लोग कर रहे हैं। बचपन से कर रहे हैं, हर साल हुनर हाट में आते हैं? नहीं, आज पहली बार मौका मिला है। पहली बार मौका मिला है, कैसा लग रहा है? आज दूसरा दिन होगा आपका, कैसा रहा पहला दिन और आज का दिन कैसा है? काफी अच्छा रहा है दिन, लोग आते हैं, पसंद करते हैं, खरीदते भी हैं। और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाए और हमारे साथ ही पत्रकार आकिब जी यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए इनसे भी जानकारी लेते हैं कि ये एक्चुअल है क्या, दरअसल इसकी क्या खासियत है और ये यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसको पहले जो जबान में कहा जाता है उसको लूम कहा जाता है, और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये जो शॉल है जो हम खरीदते हैं, वुलन शॉल, वो उसकी इसको देख के पता चलती है किस तरीके से दो जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, इन तारों के बीच में से इसको दिन भर की मेहनत में ये धागे निकालते हैं, परोसते हैं, फिर उसके बाद दूसरे दिन इसको तैयार करते हैं। और ये जो रोल है, जो जिसमें ये वूलन का जो लगा हुआ है रोल, इसको फिर स्टार्ट करते हैं, तो ये लगभग दूसरे दिन में ये चरखा जो है, ये लूम जो है, ये चलता है दूसरे दिन, और इससे 245 के लगभग एक चरखे में, एक रोल में शॉल और चादरें तैयार होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जी। अब आगे और बढ़ चलते हैं और जानते हैं कि संस्कृति की बात है तो यहाँ पे और कौन से राज्य की संस्कृति हम आपको अगली दिखाने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो शायद सेल्फी ले रहे, फोटो का जमाना है कुछ, क्योंकि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें कैद कर लेना चाहिए। सर, यहाँ पे आप पहली बार आ रहे हैं? पहले फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम कैसा लग रहा है आपको? अभी इंटर किया है, अच्छा लग रहा है, काफी देख रहा है, काफी अच्छे से डेकोरेशन है, अच्छा साफ सफाई है, अच्छे से सब किया हुआ है। अच्छा, क्यूजिन और संस्कृति की बात है तो जहाँ तक अभी आपने देखा होगा तो क्या लगता है हमारी संस्कृति किस हद तक है? क्योंकि यहाँ पे सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, सभी के अपने अपने कल्चर हैं और सब यहाँ पे सारी संस्कृति आपको आगे देखने को मिलेगी, तो अभी तक जो आपने देखा उसमें आपको क्या लगा? अभी जब मैं घुसा गेट से तो पहले, सबसे पहले यही आया हूँ, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा। ये हमारी जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति है उसके बढ़ावे के लिए एक हुनर हाट, अच्छा सरकार की अच्छी पहल है, रोजगार भी मिलेगा और प्लस ये है कि हम लोग को भी एक नया जानने के लिए जानकारी मिलेगी, सब समझने के लिए उनका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, हमें भी कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति विलुप्त होती सी जा रही, विलुप्त होती जा रही थी, जो अब इसको बढ़ावा मिलेगा, चीजों को, जो हुनर है, जो लोगों का हुनर है उसको बढ़ावा मिलेगा। चलिए शुक्रिया सर। तो जिस तरह का हमने आपको बताया कि 1857 यानी 1857 की क्रांति स्टैचूज लगे, स्टैचूज के पीछे उनके नाम है। अब यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से राज्य की, कौन से केंद्र शासित प्रदेश की संस्कृति हम आगे आपको दिखाने वाले हैं।
तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली से चलकर हमारे पास ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी यहाँ पर रखी हुई है, हर तरह के हर कैटेगरी की ज्वेलरीज हैं, यानी कि इस संस्कृति में आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जिसको आप चाहते हैं। और दिल्ली से चलकर ये संस्कृति हमारे नवाबों के शहर यानी राजधानी लखनऊ में आई है। तो जो भी अगर हमारी इस वीडियो को देख रहा है वो जरूर विजिट करें हमारे इस स्टॉल पे, जहाँ पे आपको हर तरह की ट्रेडिशनल ज्वेलरी मिलने वाली है। और इस वक्त हम मौजूद हैं स्टॉल नंबर 28 पर। चलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा राजीव सिंह है। कहाँ से? मैं उत्तर प्रदेश हापुड़। हापुड़ से? जी मैम। मैम मेरे पास रियोन के भी की गाउन है, रैपिंग स्कर्ट है, कुर्ती है, नाइटीज है ब्लॉक प्रिंट में। और इसके के इसके खास बात यह है जो लकड़ी के ठप्पे होते हैं ना, उसमें हाथी बना के उसको छापा जाता है। ये हापुड़ की संस्कृति है। ये हाथी आप कह रहे हैं कि लकड़ी के ठप्पे की छाप? लकड़ी के ठप्पे की छाप है मैम, ये जितने भी है ना ये लकड़ी के ठप्पे की छाप है। और ये बेल भी है ना मैम, ये भी लकड़ी के ठप्पे की है मैम। हाँ जी, इसमें जोड़ होता है लेकिन आपको कहीं जोड़ नहीं चमकेगा। ये जो लकड़ी का ठप्पा होता है इतना बड़ा होता है, उसके अंदर पूरी बेल बनाई होती है और कलर्स में इस तरह डिप करा और इस तरह छापते हैं मैम। आपको इसमें जोड़ कहीं नहीं दिखेगा बट जोड़। हाथों की सफाई आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मेहनत करते हैं, और ये मेहनत तो रंग लाती है इस हुनर हाट जैसी जगहों पर, जहाँ पे लोग इसको पसंद करते हैं, समझते हैं और बखूबी इसको लेते भी हैं और हमारे स्वदेशी को बढ़ावा भी देते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार नहीं मैम, सेकेंड बार। जी हाँ मैम, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा था। पहली बार तो बहुत अच्छा था, अभी स्टार्ट है लेकिन हाँ बहुत क्राउड होता है यहाँ पे। शुक्रिया। हमने चटाइयाँ तो बहुत देखी हैं, अक्सर हमारे घर में होती हैं, जानते भी हैं। तो चलिए जरा इस चटाई के बारे में जान लेते कि क्या है खास, क्या ऐसी चटाई देखी है आपने? चलिए बात करते हैं हमारे स्टॉल सर, नाम बताइएगा। नौशाद अहमद, रामपुर से। ये चटाई इतनी खास है, ये नया वर्जन क्या स्पेशल है? ये मैम ये पूरा ये नेचुरल कोराई ग्रास की बनाई होती है, जो पहले जमाने में जी जी जो पहले जमाने में जो चटाइयाँ होती थी ना, उनको ये नए जमाने के लिए पूरा मॉडिफाई किया है। ये पूरा ऐसे जी, ये देखिए जी, ये देखिए, ये पूरा ऐसे अंदर ये पीयू फॉर्म कपड़ा लगा के गादी टाइप बना दिया है, प्लस ये वॉशेबल है जी जी जी। और इसकी लाइफ जो है ना वो 3-4 साल की लाइफ होती है, 3 से 4 साल चलता है रफली यूज में। ये आप पूरा ऐसे, ये मैम 700 रुपीज से लेके 1800 तक है, अलग अलग साइज के ऊपर होता है सर। हाँ जी जी जी, 2x6, 3x6, 4x6, 5x6 जी, साइज के ऊपर रहता है सर। थैंक यू नौशाद जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बात करेंगे तो बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन इतने सारे स्टॉल हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, सबको हम थोड़ा थोड़ा सा दिखाते हैं और थोड़ा थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्राउड देखते बनता है, लोग आते जा रहे, गैदरिंग बढ़ती जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं स्टॉल नंबर 10 पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुजरात से चल के आया ये वास्तु संस्कृति। चलिए बात कर लेते हैं। नमस्ते अंकल जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है दाऊद भाई। ये बताइए अंकल, ये जो आप लेके आए ये कॉपर बेल है, हम बनाते हैं, हाथ का काम होता है पूरा। ये मिक्स मेटल का है, तांबा और पीतल का है। तांबा पीतल हैंडमेड है? हाँ सब हैंडमेड है, इसमें कोई वेल्डिंग का ऐसा कोई काम नहीं है, सब हाथ का काम है पूरा। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, खूबसूरती के साथ साथ बहुत यूनिक है। अगर किसी को यूनिक या एंटीक चीजें कलेक्शन करने का शौक है तो यहाँ पर आए, विजिट करें और लेके जाएं। और धीरे धीरे हम आ चुके हैं स्टॉल नंबर 16 पे, 16 पे। चलिए बात कर लेते हैं, नाम बताइए सर। अच्छा मैडम, मैडम का स्टॉल है। मैम कहाँ से हैं? हम तेलंगाना से हैं, हैदराबाद। यहाँ पे क्या खास है आपके स्टॉल पर? हमारे स्टॉल पर सिल्क साड़ीज है। हाँ ड्रेस है? जी हाँ। अच्छा, ड्रेस मटेरियल है, ड्रेस मटेरियल है, हैंडमेड है जी। ये जी हाँ। तो नहीं नहीं मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ हुनर हाट में। हाँ हाँ बहुत अच्छा था, बढ़िया था। हाँ आज का भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शुक्रिया। बात कर रहे थे हम क्यूजन संस्कृति का संगम जो कि हुनर हाट में देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ही पत्रकार आकिब मिराज खान जी हैं यहाँ पर हमारे साथ। यहाँ पे नॉनवेज की स्टॉल्स लगे हुए हैं, आगे स्टॉल्स की जानकारी मैं चाहती हूँ कि आकिब जी आप दें। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा जी।
और जैसे हमारी साथी पत्रकार जो हैं रीमा जी, उन्होंने आपको सारे स्टॉल्स की जानकारी दी, बखूबी दी, और यहाँ के जो लोग हैं जो आए हुए हैं और इस हुनर हाट का लुत्फ़ उठा रहे हैं उनसे भी इन्होंने बात करवाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सामने आती है हैदराबाद डेक्कन दम बिरयानी। यहाँ पे जो सबसे दूर से स्टॉल लगा हुआ है वो हैदराबाद का ही लगा हुआ है। हम इनसे सबसे पहले बात करते हैं कि क्या खास है इनकी बिरयानी में। अगर लखनऊ के मुकाबले हम बात करें, लखनऊ का जो जायका है, जो टेस्ट है, लखनऊ दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे तहजीब के लिए, अपनी ज़बान के लिए और अपने जायके के लिए, और हैदराबाद भी अपने जायके के लिए मशहूर है। तो क्या खास है हैदराबाद की बिरयानी में? हैदराबाद की देखिए भी, देखिए सर, हैदराबाद के जो मसाले इम्पोर्टेंट, हैदराबाद के मसाले है और स्पेशल जो दम देते हैं ना उसको, वो खास बात है इसमें। लखनऊ में भी दम बिरयानी बनती है और हैदराबाद के मसालों में ऐसा क्या खास? लखनऊ का ऐसा है सर कि लखनऊ में गोश्त को पका के डालते हैं, हमारे यहाँ पर गोश्त पकता नहीं है, वहाँ पर अखनी बन रही है, वो कच्चे गोश्त में बनती है जी। कच्चे गोश्त में मसाला लगता है, अखनी बनती है और उसके बाद लेयर बाय लेयर आप गोश्त को तय लगाते हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चिकन है वो ये मैरिनेट कर लिया है इन्होंने मसालों के साथ, और अब ये बिरयानी की तैयारी कर रहे हैं, और ज़ाफ़रान जो है जिसको केसर कहा जाता है वो भी इसमें पड़ेगा। तो लखनऊ की बिरयानी और जायका काफ़ी मशहूर है, तो वो हैदराबाद का भी खास है, तो मतलब क्या डिफरेंस है दोनों के जायकों में? जी इसमें और इसमें डिफरेंट ये होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ स्पाइसी और मसाले वाला चलता है हैदराबाद, और लखनऊ में थोड़ा सा लेस स्पाइसी चलता है। हाँ उसमें मसाले सारे वैसे ही आते हैं इंग्रेडिएंट्स, लेकिन मेथड अलग होता है। हमारा जो है ना ये कच्ची अखनी जो आपने बताया है इसको अखनी कहते हैं हम, सारे चिकन में मसाले में हम इसमें गरम मसाला जैसे दालचीनी हो, शाजीरा इलायची लौंग हो, और हमने जायफल जौहरी लगाई है, इलायची पाउडर लगाया है, और ये देखिए आप आपके सामने ही हम ज़ाफ़रान भी डाल रहे हैं इसके अंदर। ये 1 ग्राम ज़ाफ़रान ऊपर से चावल पे और 1 ग्राम ज़ाफ़रान अखनी में आएगा। 1 ग्राम ज़ाफ़रान की कीमत ही काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इस ज़ाफ़रान का क्या ताल्लुक है टेस्ट को अगर दरमियान करें तो क्या ताल्लुक है उसका स्वाद से? इसका स्वाद से ताल्लुक ये होता है कि जो फ्लेवर होना चाहिए हैदराबाद की बिरयानी में इसी से आता है। जैसे अभी इसके ऊपर जो लेयर देख रहे हैं आप, ये सारे असली घी का लेयर, इसी में पकेगी बिरयानी। हाँ ये जो मसाले हमने लगाए हैं इसके ऊपर कोटिंग जो कर रहे हैं, ये असली घी पे ही इसका सॉफ्टनेस आता है। जैसा राइस में हो जाए चाहे या फिर गोश्त में हो जाए, चिकन हो या मटन, इसमें सॉफ्टनेस आता है एक तरह का, जो घी और बाकी मसाले और ये ज़ाफ़रान से, ज़ाफ़रान इज अ डिफरेंट, इसका फ्लेवर ही हर चीज़ देख लेंगे आप जहाँ पे, जहाँ मेरा गांव मेरा देश में भी देखेंगे आप, जैसे ज़ाफ़रानी चाय हो गई या फिर ज़ाफ़रानी जूस हो गया, ये फ्लेवर ही देता है इसका। हाँ फ्लेवर। हमने अभी आपकी बिरयानी को टेस्ट करा तो उसमें कुछ चावल भी हमें लखनऊ की बिरयानी के मुकाबले अलग लगे, तो क्या कुछ अलग रहता है, कुछ खास रहता है आपका चावल? देखिए जब ये अभी हम तो इसका भी पूरा तय बिछा देंगे, इसकी तय बिछा के इसके ऊपर लेयर बाय लेयर राइस डालेंगे। जो पहली लेयर होगी हाफ बॉयल राइस होगा, उसके बाद का जितना भी लेयर होगी हमारी, वो लेयर हमारी पकते रहेगा चावल और सॉफ्ट होते रहेगा ऊपर तक, और ये जो अखनी का मसाला होगा जो हाफ बॉयल रहेगा उसको पकाएगा। इसकी खासियत ये है, यानी हमको पानी देने की या कुछ करने की, पकड़ा पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको हम कब तक दम देते हैं? तकरीबन 1 घंटे तक, ताकि इसका पूरा सॉफ्टनेस और इसका टेस्ट निकल के जूसी बने बिरयानी। तो हम 1 घंटा कम से कम इसको दम रखते हैं, जो दम जो नाम है इसका, एक्चुअली नाम यही है दम बिरयानी। हमारे यहाँ दम खोरमा भी बनता है, सारे मसाले लगकर आटा लगाते हैं साइड से। हाँ आटा लगाकर उसको बाहर ना, हाँ भाप जो निकलते रहती है ना कुकर की तरह, इसकी भाप ऐसे ही निकलते रहती है। एटलीस्ट 1 आवर हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं इसको, 1 आवर में ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और तभी हम इसको खोलते हैं। फिर ऊपर से भी घी आएगा इसके ऊपर, ताकि सॉफ्ट रहे हमेशा, गर्म भी रहे। टेस्ट में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल टेस्ट जो है डिफरेंट है लखनऊ के जायके से आपकी हैदराबादी बिरयानी का। और क्या खास है आपके यहाँ बिरयानी के अलावा? यहाँ पे देखिए इसके अलावा हम और भी खास रखे हैं, ये भी ज़ाफ़रानी रबड़ी है, ये बादामी खीर है, बादामी खीर है और ज़ाफ़रानी वो रबड़ी है। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब, ये खीर है और ये रबड़ी है, अभी इसको भी टेस्ट करते हैं। अभी तो बिरयानी खाई वो काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे जो लोग हैं वो लुत्फ़ लेते नज़र आ रहे हैं, अलग अलग अपना स्वाद, मुख्तलिफ स्वाद है लोगों का। यहाँ पे
नॉनवेज इस तरफ लगा हुआ है और वेज दूसरी तरफ लगा हुआ है। जिसको नॉनवेज खाना हो वो इस तरफ आ रहे हैं, जिसको वेज खाना हो वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली और तेलंगाना हैदराबाद की भी बिरयानी काफ़ी मशहूर है, उसको भी हमने टेस्ट करा। अभी हलीम नहीं खाया है, हलीम वो भी खा के देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बुलाते हुए भी नज़र आ रहे हैं अपने अपने स्टॉल से, और यहाँ पे भीड़ लगी, यहाँ पे लुफ्त भी ले रहे हैं लोग अपने खाने का, और जो जिसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर ले उस तरफ लोग जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो लोग स्टॉल लगाए हैं वो भी आवाज़ लगाते नज़र आ रहे हैं। खैर यहाँ पे जब हम आए तो हमें भी हैदराबादी बिरयानी ने अपनी तरफ खींचा, आकर्षित करा, और हमने उसको टेस्ट करा तो वो काफ़ी लजीज थी। और अब हलीम भी आ गई है तो हलीम को भी टेस्ट करेंगे, वो कैसा रहता है, वो कैसा है खाने में। हैदराबाद में जब खाया था और यहाँ पे जब खाएंगे तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे यासिर अब्बास उत्तर प्रदेश लखनऊ फ्राइड चिकन यहाँ पे मौजूद हैं, और अब्दुल अरहम उत्तर प्रदेश यहाँ पे लखनऊ के साथ साथ अलग अलग मुख्तलिफ जगहों का भी जो टेस्ट है आपको यहाँ पे मिलेगा। पूरी तरीके से आप यहाँ पे कंप्लीट पैकेज पाएंगे, पूरा इंजॉय करेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ आइए, यहाँ पे इंजॉय करिए, एक एक अच्छा आपका समय बीतेगा और काफ़ी इंजॉय करेंगे। क्योंकि इस तरीके से अगर आप किसी बिना तैयारी से भी आते हैं तो भी आपको यहाँ पे वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको तैयारी करने में मदद करेंगी। जैसे आप अगर ब्रेकफास्ट करके नहीं आते तो ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच करके नहीं आते तो लंच भी मिलेगा। खैर आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक कितनी भीड़ है, लोग अपने स्टॉल जो हैं वो छाटने में लगे हुए हैं कि हम कहाँ से खाएं, कहाँ पे क्या करें। यहाँ पे कुल्फी भी है। छोटू क्या रेट है कुल्फी का? 30 रुपए है, 30 रुपीज। तो लोग खाना पसंद कर रहे हैं? जी सर, हमारी क्योंकि बिल्कुल सबसे कम प्राइस है पूरे इसमें हुनर हाट में, और सब जगह आप देखेंगे तो 40 रुपीज, हमने 30 रुपीज ही करी कि सब अफोर्ड कर लें। हम भी अभी टेस्ट करेंगे आपकी कुल्फी। यहाँ पे कुल्फी के भी स्टॉल लगे हुए हैं और बाकी नारियल पानी और वाहिद बिरयानी की भी, जो लखनऊ की वाहिद बिरयानी जो है वो काफी मशहूर है, इनसे भी हम बात करेंगे कि इनका बिरयानी का स्टॉल है। आइए देखते हैं वाहिद बिरयानी का स्टॉल। वाहिद जी कहाँ पे है आपका स्टॉल, किस तरफ है? ये पीछे है। अच्छा पीछे है। ये कौन सा लोग खाना पसंद कर रहे हैं, क्या ज्यादा ऑर्डर हो रहा है? बहुत उम्दा है, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे आपको टक्कर दे, यहाँ पे एक सवाल आपसे कर लेते हैं, यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी क्या आपको टक्कर दे पा रही है? टक्कर तो ऐसे कोई दे नहीं पा रही है, न कोई देगी। हैदराबादी बिरयानी इनके आगे बेकार है। यहाँ पे अंकल जो खा रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं बिरयानी और चिकन रोस्टेड, वो बता रहे हैं कि हैदराबादी बिरयानी जो है वाहिद बिरयानी के सामने बेकार है। तो आपने टेस्ट करी अंकल हैदराबाद? हाँ हाँ, देख के आए उनका भी, सब यहाँ पे बैठे। अच्छा अच्छा, तो आप काफी शौकीन है टेस्ट के और जायके के। लखनऊ, आप लखनऊ के रहने वाले? नहीं नहीं, हम सुल्तानपुर के रहने। यहाँ पे हुनर हाट घूमने आए कि लखनऊ में है? घूमने आए हैं, हुनर हाट, केवल हुनर हाट। लखनऊ जायके के साथ साथ तहजीब का भी शहर है, तो लखनऊ का जायका कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय। तो दोबारा आने का प्लान करेंगे? पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। तो दोबारा आने का कब प्लान कर रहे हैं? अब ये एक ही महीने का तो है मैं लगता है, हो सकता है कि एक आध बार और आ जाएंगे। उम्मीद हम भी यही करते हैं, क्योंकि हमें 140 किलोमीटर से आना होता है, लेकिन काफी दूरी नहीं रह जाती, रोड इतनी अच्छी बन गई है अब। जी जी, यहाँ पे जो वाहिद बिरयानी है, लोग यहाँ पे खाना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग खा रहे हैं उनका भी कहना है कि हैदराबादी बिरयानी कहीं स्टैंड नहीं करती वाहिद बिरयानी के सामने। खैर आप देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के लोग, हम ये गारंटी दे सकते हैं आपको पूरी तरीके से कि आप यहाँ आएंगे तो बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करेंगे। और अपने बच्चों को लाएं, अपनी फैमिली को लाएं, ये 21 तारीख तक है। और अब हमारी जो साथी पत्रकार हैं वो शायद शॉपिंग करने में भी व्यस्त हो गई है, बिजी हो गई है, और मैं भी आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैं आकिब मिराज खान, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।